इतने में राजा लोग आकर बैठे, अरब देश है, गंधार बादशाह आकर, और लोदी सिकंदर का रिश्तेदार था, रिश्तेदार से बातचीत मालूम हुई कि बागर देश के मान एक साधु है, अवतार चमत्कार दिखाता है, तो गंधार बादशाह लोदी सिकंदर को लेकर सम्राथल पर गुरु महाराज करें आते हैं। किसी बार किसी तारीख वो गुरु महाराज वर्ण करते हैं। पंद्रह से पैंतालीस सुवार आशोज मास उजाड़ पंख गुरु के किया विचार, 1545 सातु शुक्रवार आशोज शुद्ध पंख में माँ लोग हार विचार कियो और गुरु महाराज का चमत्कार देख और गंधार बादशाह खड़े हुए और कहने लगा, महाराज आपकी सभा में मैं ही बोल सकूं, और भी कोई बोल सकता है? बोलो हमारी राम दरिया है, इसमें हर कोई बोल सकता है। तो गंधार बादशाह खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज मैं एक बात ऐसी पूछनी चाहता हूँ, आप बताइए, मैं दिल्ली से और मेरा रिश्तेदार मैं के साधनु आया हाँ बा, माने बात बताओ पहली बात, तो दूसरी बात बताओ मारे तंबू में के चीज है, तंबू बार ओण में माँ खड़ो लगाड़ो हो। गुरु महाराज कहो, ऐसी भाई गंधार बादशाह कोई निजरबन खेल करने वाला कोई कालबेलिया नहीं हूँ, लेकिन तुम पूछता जो मैं तेरे को बताऊंगा। इस बताने ऊपर गुरु महाराज उनको चमत्कार दिखाया। प्रसन्न हल किया जी, आए गुरु पास प्रसन्न हल किया जी, खान मन में ही पतहतावया, खान रे मन पतहतावया, विष्णु भगवान की जय। यह प्रश्न गंधार बादशाह सुनकर गुरु महाराज क्या, देखो भाई खान है, तुम्हारे तंबू में दो गार्डर बंदी होगी, पाखंड लाला पाखंड लीला क्यों फैलाते हो, बागर देश में अनपढ़ लोग है, मेरा नाम जानते हो, मैं गंधार बादशाह हूँ गंधार, और लोदी सिकंदर का रिश्तेदार हूँ, दिल्ली हूँ, मैं कोई गार्डन पर चढ़ आया। बोले वो तेरी तू जान, देख ले तंबू में, आती के जगह दो भेड़ थकोड़ी बंजोड़ी हेडो पड़े और तंबू में बंजोड़ी बैठी, गंधार बादशाह जार देखी कि वास्तव में पाखंडी है, निजरबंदी निजरबंद का खेल है, मैं नहीं मानता। तंबू चादर कने धोरे पर आया तो लोदी सिकंदर बादशाह, तेरे जात मलिन दुष्टता त्यागी, कुशल है तेरे जात मलिन दुष्टता त्यागी, लिए रे गुरु के परण पकड़ लिए चरण, लगन ही लागी लगन ही लागी, अकरे साथ कोरे मान भरम ना भागी, अकरे गंधार बादशाह लोदी सिकंदर चरणों में पड़ गया और पग पकड़ लिया, कमर दागा, हे महाराज लोदी सिकंदर देख कर्म की रेख, पुरबली मारी जागी, मुसले थे जात मलिन दुष्टता त्यागी, सब ये दुष्टता काम है, मैं सारा ही छोड़ दिया और पग पकड़ लिया, पकड़ लिए गुरु चरण और पकड़ लिया प्रण, प्रण बताओ महाराज थारा नेम है, नित्यनेम क्रिया कर्म, और फिर आपके आगीन में चले। नहीं राजन, नहीं खान साहब, एक
रोपी संग अंडी लेता है, वो ही तीन दफे बजाता है, अभी तो तू आया है, अभी तुम्हारा एक गाडर का चमत्कार मिला है, अभी तुम्हारे शरीर से कुछ ज्ञान हुआ है, तुम्हारी और भावना है वो पूछ। जब कहे अच्छा महाराज, एक मेरी और भावना है, पहली तो आप बताओ थाने सूचना कण दिनी। जब कहे हमारे दिल्ली के मां रहने वाले आश्रम और काशम दो दर्जी थे, उन दर्जियों को आपका चमत्कार सुनकर मेरा जो कुरान आदि पढ़ना था उनको छोड़ दिया, जो मैंने जेल में बंद कर दिया, जो मेरे को रात का चमत्कार मिला। और मुल्ला लोगों ने आर मेरे को कहा, काफरों के मंदिर तोड़ू, छोड़ के उड़ा दू खाल, काफरों का मंदिर तोड़ू, किसे के बेकाने से छोड़ दीवी खुदा कुरान, किसे के बेकाने असम का सम पत्रकार गौ दिनी आगे डाल, पास में रोने को लगे गौ रोवे त्राय त्राय, दोनों ही नीर ढड़का ये गुरु जी भगवान की। हमारे काजी मुल्ले थे, मां लोगा नार माने कि महाराज थारा दर्जी है जिका दीन ईमान थालो छोड़ दियो है, और किसी काफरों के बेकाने से मंदिरों की पूजा करना और विष्णु देव का जप करना, आ बात में रट रहा, दीन ईमान छोड़ दिया सारे, काजी माने भेद बताए ना मैं के पियो महाराज, दोनों ने पकड़ मंगा दिया, दोनों ने पकड़ मंगा, माने पूछो भेद, मां कोई जवाब नहीं दे, मैं जेल में बंद कर दिया, बंद करवांगे आगे दो हिराल कर दी, गऊ हलाल करी, जो रात के समय मेरे को दिव्य चमत्कार दिखा, कैसा दिखा, समरूप पे बेटे श्याम कान में पड़ी भड़कार, साले जी को हुक्म दियो गुगड़ियो झोलो बनाया, साय किया बारह सोना पल में पहुंचा दिल्ली जाय, कौरव से कौरव बैल उठे गुरु रहे ललकार, कौरव से कौरव बैल उठे रूप कोई दिखा नहीं जाति से पर तम्मा दम्मा, देख रे गुरु का दादा थर थर लागे मेरा खाप, देख क्या गुरु का दादा हरी को निशान, दादा मेरे को दिया निशान, थर थर गाप दर छाए हे जी दोनों ने पाता, भगवान की। रात के समय मेरे को अलौकिक माया दिखी, मैं रात के समय नींद में सो रहा था, जब शेर की सी आवाज आई, मैं एकदम चमत्कार ढोलिए से नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर और कांपने लगा, तो एक भगवान महात्मा को रूप दिखा और शेर की आवाज मेरे को दिखनी, एक यह छड़ी का निशान आपके स्टिल्ले पर यह फोग है, ये निशान मेरे मकान में है, ई पर्चे को चमत्कार देख मैं आपके पास है। अभी मेरी एक और प्रश्न है, कहो खान, मेरा जो अरब देश है गंधार बादशाह हूँ मैं, तो मेरे से ज्यादा गिरा हुआ है मेरा जाति भाई, वहाँ आपको चलना पड़ेगा। नहीं खान, वहाँ 1500 भक्त हर वक्त रहते हैं और तेरे साथ में जाने से भाई ठीक नहीं रही बात। नहीं महाराज, धनी का धनी नहीं है, वहाँ मुसलमानों का शासन था और मैं कह रहा हूँ जो आपको करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने अरब देश को जाने की सलाह, कारण से कार्य बनता है, प्रहलाद जी महाराज से वचन लिए थे 33 कुर्जियों को बैकुंठ पहुंचाने के लिए, उसमें से 25 करोड़ जीव अरब देश में थे, उनको जीव शामिल करने के लिए गुरु महाराज को अरब देश जाना था, और गंधार बादशाह को सारो लेकर गुरु महाराज रवाना हुआ, तो पहला विश्राम महाराज कहाँ किए,
अदका दे दरबार समुंदर पार गुरु जी धाया वो गुरु जी धा आसन दिया है लगाय जीवर एक आया अदका दे दरबार समुंदर धाया वो गुरु जी धाया आसन दिया है लगाय जीवर एक आया वर गिरी झाल रहे गुरु पाल कौन तुम भारी कौन तुम भारी पापी मारे क्यों जीव कौन फरमाई देवर बहुता झाल फैलाए जीव एक नहीं आए मछी पकड़ नहीं पाए अज का मैं गुरुआ लिखी रे कलमा माही स्वन शरीफ कलमा नाम शरीफ इसमें गुरु जी सुनारी ए इल्ला बिस्मिल्ला अल्लाह को शब्द पहचाने अल्लाह को शब्द पहचाने बाबा आदम सुनारी भगवान की जय। गुरु महाराज गंधार बादशाह लोदी सिकंदर ने लेकर अरब देश ने रवाना हुआ। अरब देश के किनारे समुद्र के किनारे जा पहलो विश्राम कियो। पहलो विश्राम कियो तो समुद्र के किनारे जीवर लोग मच्छी पकड़ने वाला बह ज्यादा रिया करता। गुरु महाराज आसन लगायो सारा जीवर बैठे आया। जीवर आकर और जाल फैलाए समुद्र में। गुरु महाराज ने कहा भाई क्या करे हो रे? बोलो हमारी यह रोजी है। अरे भाई जीव हिंसा करनी ये कोई रोजी है? तुम लोग मुसलमान हो? हाँ जी। तो तुम्हारे कुरान शरीफ में क्या लिखा है? इल्लिल्लाह बिस्मिल्लाह में मुसलुल्लाह तबा खुदा। तुम्हारे मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है? कह किसी की पक्की हुई खेती उजाड़ना महादोष है, एक दूसरे की आत्मा दुखाना महादोष है और जीव हिंसा करना महादोष है। तुम लोग कहते हो हमारी रोजी है, ये कोई रोजी है? तुम्हारी आत्मा दुख पावे गऊ माता का तुम दूध पीते हो और उसके बच्चे को हलाल करते हो और बकरी का दूध पीते हो और उसका फिर हलाल करते हो? कुरान में नहीं लिखा। बस बात को तुफ होकर बोलो हमारा कर्तव्य करेंगे, अच्छा भी करो। इतनी बात कहने से जीवर बहुता जाल फैलावे तो उसमें जीव एक नहीं आए। अनेकों जाल फैलाए उसमें एक भी मछली कोई जीव नहीं आए। आखिर वह मुसलमान लोग हैरान हुआ। जीवर मच्छी पकड़ घर ले जावे फिर मच्छी कटड़ कंड कटन नहीं पावे। बाहर किनारे ऊपर गया एक मोटी मच्छी पगा में पड़ी। गुरु महाराज देखियो जाल में तो अंगाई को नहीं, बेचारा पिछताओ करे है। बाहर बड़ी मच्छी बिना झपट कर पकड़ी, पकड़ करे मोटो यूं छीपा रंगना लो टोकनो वह बीघे मां बंद कर ऊपर ढकन दे और नीचे बात जगाना शुरू कर दियो। एक गाड़ी करीबन लकड़ जलाया, तीन दिनों तक जलाता रहा। दर मच्छी एक देख में दीनी अग्नि जाल, मच्छी जले ने अग्नि से दुष्ट गया जबार। तीन दिनों से ढकन खोला तो मच्छी ही जैसी मिली और न कोई देख तपा और न कोई कर चला। जब सारे जीवर वहां लोग आकर गुरु महाराज की शरण ली और पा शरणामत लेकर और विष्णोई बने, उन जीवर लोगों की नाव पर जबरजात का विष्णोई बनवा दिया। वे आज प्रचलित मौजूद जेसना गांव में बसे हुए हैं। वे उस जीवरों की औलाद का है। यह गुरु महाराज का साहित्य का प्रमाण है। तो यह पहला चरित्र, फिर इनसे आगे गुरु महाराज और माने होते हैं। ज्ञान बदेरे गुणवान की संगत, ज्ञान बदेरे तपसीय संगतीना, मोया बदे परवार की संगत, लोगा बदेरे धन में चितदीना। काम बदे तिरिया संगतीना, रोजा बदे मुंगत संगतीना। बुद्धिरे दिवे का विचार बद, कवि संत जनों की सेवा कीना। जाने घटे नर मूड की संगत, जाने घटे दिन धीर दलाला। साशा घटे राहत न कीरे निंदरा, बुद्धि रे घटे घनो भोजन खाया। बल्ला घटे तिरिया कीरे संगत, मन घटे
नीचा कोई घर आया। गुजरे दिवे कभी सारा बदक संत जनो की सेवा पा रोगा मिटा कुछ औषधि खा सुंदर क्या नर सबीरे मिला संत समागम दुरल व्यवहार। भगवान की जय हो। गुरु महाराज की लोहे के संग में कसौटी लगाने से सोना बन जाता है ऐसा काटी जुड़ा खीला पड़ा जीव इशा करने वाला जकने गुरु महाराज की कसौटी लगा।